सीडिया रिएक्ट ट्यूटोरियल आ जाओ भाई इसके अंदर। सही, सबको समझ आ गया ना कैसे निकाला मैंने ये? अच्छा, ये 2020 में इन्होंने लिखा था ये आर्टिकल, थोड़ा पुराना आर्टिकल है, लेकिन इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छे इसने कवर किए हैं। जाहिर है जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो चेंज नहीं होते, ठीक है, वो वही रहते हैं, चाहे रिएक्ट जितनी भी आगे निकल जाए बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, ठीक है। तो असल में जिस ज़माने में ये फंक्शनल कंपोनेंट्स आए थे ना नए 2018-19 में, तो उस वक्त इस पर कोई बुक नहीं थी। इवन इनकी डॉक्यूमेंटेशन आप देखेंगे ना, जो रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वो अभी भी उसमें आधी डॉक्यूमेंट्स में क्लास कंपोनेंट, आप सही कर दिया, अच्छा अच्छी बात है अगर सही कर दिया तो, लेकिन आखिरी जब मैंने देखा था तो आधे में क्लास कंपोनेंट था। अब यार यूज़ कर सकते हैं, करेंगे तो वो एक ही है, असल में अंदर से वो एक ही है, सही है। अभी भी आप क्लास कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो वो चलेगा, सही चलेगा, लेकिन कम्युनिटी, फिर कम्युनिटी का लेवल है ना, फिर इन्होंने बोला भाई जाओ हम नहीं करते। असल में जो रिएक्ट बनी थी जब, अभी यहाँ पे वो जिक्र भी आएगा कि रिएक्ट फेसबुक ने बनाई थी अपने इंटरनल पर्पसेस के लिए। आपको पता है जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो जब कोई फ्रेमवर्क ऐसा यूज़ कर रही है उसमें कोई लिमिटेशन आ जाए, कोई ऐसा मसला आ जाए कि अच्छा यार ये काम तो इस फ्रेमवर्क में हो ही नहीं सकता, ठीक है। अभी तो आप पढ़ रहे हैं ना, अभी तो जब आप एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आती हैं कि भाई इस फ्रेमवर्क में ये पॉसिबल नहीं है, लिमिटेशन है, या ऐप इतनी बड़ी हो जाती है, इतना ज़्यादा लोड आ जाता है उसके ऊपर कि कहीं ना कहीं लिमिटेशन आने लग जाती है। तो गूगल ने इसी वजह से पूरी जावास्क्रिप्ट का इंजन अपना लिखा है, इसी वजह से, ठीक है। बता, वो तो खैर बोलते हैं हमने तो भाई कॉमन वेलफेयर के लिए और पता नहीं आवाम की भलाई के लिए लिखा है, लेकिन सच बात ये कि वो जावास्क्रिप्ट के अंदर मसले मसाइल थे तो गूगल नहीं करता तो कोई और करता, कोई ना कोई करता भारत। तो इन्होंने पूरा जावास्क्रिप्ट का इंजन लिखा है, क्योंकि उस जावास्क्रिप्ट के इंजन के ऊपर अब आप देखें आज उन्होंने अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम खड़ा किया हुआ है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। क्रोम बुक जो इनकी, गूगल क्रोम असल में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज़ नॉट जस्ट अ सॉफ्टवेयर। उसके ऊपर इनका जो जीमेल और ये जो सारी चीज़ें हैं ये लाइक ऐप चलती हैं। ये आप PWA इन्होंने बना लिया सारा का सारा, तो वो PWA के ऊपर कोई चीज़ अगर चलती है ना गूगल क्रोम पे तो इट इज़ जस्ट लाइक ऐप। इनके एक्सटेंशन का पूरा स्टोर है, जस्ट लाइक अ प्ले स्टोर ना, एक्सटेंशन जो इनकी वो जस्ट लाइक अ प्ले स्टोर है। जितनी भी ऐप्स हैं सारी ऐप इसके ऊपर चल सकती हैं, इवन यानी VS Code जैसी ऐप भी एज अ एक्सटेंशन आप बना सकते हैं JavaScript की जो ऐप है ना, ठीक है। जैसे पोस्टमैन है, पोस्टमैन पहले गूगल क्रोम का एक्सटेंशन ही हुआ करता था, तो उससे बेनिफिट ये होता था कि गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है तो जितने भी प्लेटफॉर्म पे गूगल क्रोम चलता है ना सब पे ही चल जाएगा। गूगल क्रोम सब प्लेटफॉर्म पे चलता है, चाहे वो M1 हो, चाहे वो ARM हो, चाहे वो x86 हो, चाहे वो लिनक्स हो, मैक हो, विंडोज़ हो, कोई भी पुराने से पुराना और नए से नए ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने हैंडल किया था उसको, तो उन सब पे आपकी भी ऐप चल जाती है, ये बेनिफिट होता है। तो गूगल क्रोम इज़ नॉट जस्ट अ सॉफ्टवेयर, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो क्रोम बुक है उसमें होता ही गूगल क्रोम है, कुछ भी नहीं। तो आप देखें उन्होंने जो पूरा V8 का इंजन लिखा है ना सिरे से, तो वो उन्होंने ऐसे मतलब आवाम की भलाई के लिए तो लिखा है, वो बोलते हैं तो यही हर जगह, लेकिन असल बात ये है कि वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम खड़ा किया उन्होंने बाद में, ठीक है। तो वेल, तो फेसबुक भी या इस तरह के जो होते हैं ना बड़ी कंपनीज़, तो उनको जब कोई ओपन सोर्स या कोई ऐसी चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो या तो उसी को वो खुद इम्प्रूव करते हैं, अपनी टीम लगा के तनख्वाहें दे के उसको बोलते हैं इसको सही करो, और या तो क्या करते हैं खुद का बना लेते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो अपने लिए बनाया था इन्होंने, फेसबुक वालों ने रिएक्ट। फिर बाद में क्या हुआ कि जो है ना उस वक्त एक बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क चलता था एंगुलर के नाम से, तो उन्होंने कुछ अपना नया वर्जन रिलीज़ करने में कुछ देर वेर कर दी और उनके कुछ डिज़ाइन लेवल की कोई प्रॉब्लम्स थी उसके अंदर और बड़ा केओस हो गया था उस वक्त मार्केट में। तो इन्होंने मौका गनीमत जाना, इन्होंने बोला यार अपना हम ओपन सोर्स कर देते हैं, ठीक है। तो फेसबुक के अंदर ज़रा फिर बॉस हैं फेसबुक में, तो बॉस ने बोला कि ये बनेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, क्लास का क्लास बनेगी इसमें, हर चीज़ क्लास के ज़रिए होगी, ठीक है। तो भाई बेचारा एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय की कौन सुनता है। तो उस बॉस ने बोला भाई इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज़रा बेहतर है। तो उन्होंने बोला भाई इस पे बनेगा, उन्होंने बना दिया। लेकिन जैसे ही ओपन सोर्स हुआ ना तो कम्युनिटी ने फौरी तौर पर, तो कुछ ऑप्शन नहीं था उनके पास कम्युनिटी के पास, क्योंकि मार्केट में केओस इतना था। लेकिन अल्टीमेटली जब इनके फंसे हुए काम सारे निकल गए ना, ये फारिग हुए जैसे ही, तो सबसे पहला काम इन्होंने ये किया, इन्होंने बोला यार ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए, इसको वापसी फंक्शनल पे लेके जाओ, ठीक है। क्यों? वो उसका रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट की जो कम्युनिटी है वो फंक्शनल को ज़्यादा लाइक करते हैं, ये लोग फंक्शनल पे ज़्यादा इनकी टेंडेंसी है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को पसंद नहीं करते। जैसे कोक और पेप्सी का है ना हिसाब किताब के, डिवाइडेड हैं लोग, एक कहते हैं नहीं यार पेप्सी सही है, एक कहते हैं कोक सही है, लड़ते हैं आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं,
एक कहते हैं ना एंड्रॉयड सही है, एक कहते हैं नहीं iOS का फिर लेवल अलग है, आईफोन आईफोन होता है, सही है ना। तो लोग इस तरह ज़रा डिवाइडेड हैं इस मामले में भी। इस मामले में भी कुछ बंदे कहते हैं कि जो है ना हम जब शुरू से हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप अभी ये नया मंजन लेकर आ गए कि यार ऐसे होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी, तो हमें फंक्शनल ज़्यादा अच्छा, मतलब हम जब कैनवस पे अपने ड्रॉ करते हैं ना, अपने दिमाग में जब सोचते हैं तो हमें फंक्शनल में ज़्यादा अच्छा समझ आता है, और फंक्शनल पे हमारा हाथ सेट है, सारी लाइब्रेरी फंक्शनल पे बनी हुई है। तो आप बोल रहे हो यार नहीं ऐसे होगा, ठीक है, तो वो बोलते हैं यार आप सही हैं, छोड़ दो आप, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम फंक्शनल पे करेंगे, हमारा मसला है वो, जब हम फंसेंगे तो हम खुद ही देख लेंगे, ठीक है। एक तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि सी लैंग्वेज में होता ही फंक्शनल था, सी लैंग्वेज में ये सब कुछ नहीं था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर वो बाद में सी प्लस प्लस में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अच्छा जी सपोर्ट दे दी हमने, फिर उसमें भी, लेकिन ज़्यादातर जो अभी भी जो लो लेवल के काम हुए हैं ना, यानी जो ऑडियो के ड्राइवर वगैरह और इस तरह के जो मतलब हाई परफॉर्मेंस जितने भी काम हैं, वो सारे फंक्शनल पे किए हैं, सारे पुराने चावल हैं, वो नहीं मानते बात, वो बोलते हैं यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐसे ही है। अच्छा, और सच बात ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ना ज़रा सा इतना एफिशिएंट कोड नहीं होता वो, जो सच बात है। जब आप डीप डिप करेंगे तो आपको भी ये रियलाइज़ होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ना कुछ जगहों पे हम प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा लगती है और स्पेस भी ज़्यादा लगता है कुछ जगहों पे, क्योंकि उसमें ज़रा वो बहुत जर्नलाइज किस्म का हो जाता है कोड। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ऑन अदर एंड ज़रा मोर एफिशिएंट होता है वो, लेकिन वो फ़र्क इतना है ना कि एक में आप लगा लें 10,000 और एक में आप लगा लें 9,999 और 98.5, इतना ही फ़र्क है, वो इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। मतलब 1 to 1,000 का रेशो है शायद, ठीक है, अगर कोई बहुत ही मतलब बच्चा प्रोग्रामर हो तो फिर भी स्टिल 1 to 100 का रेशो तो रहेगा ही परफॉर्मेंस वाला जो है। तो अच्छा, फिर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो क्यों करवाई गई थी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पर्सपेक्टिव से करवाई गई थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो बंदा होता है जिसका काम होता है कि रिक्वायरमेंट को गैदर करे, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अलग अलग वो होते हैं, अलग अलग डेजिग्नेशंस होती हैं, ये मैं मिला के पूरा बता रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होती है ना पूरी, उसमें जो अलग अलग डेजिग्नेशन के लोग होते हैं, एक इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है, फिर दूसरा उसको लेके डॉक्यूमेंट कर रहा होता है, फिर डॉक्यूमेंट करके तीसरा उसको ना छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर रहा होता है, और टास्क डिवाइड करके फिर वो लेबर को दिया जाता है, लेबर यानी कि हम डिवेलपर्स जो हैं, जो एक्चुअल कोड जिन्होंने करना है तो उनको दे रहा होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से ना जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसमें मॉड्यूल्स अलग अलग बनते हैं, फिर वो अलग अलग मॉड्यूल बना के उनको मर्ज करना आसान होता है। तो ज़रा अगर 4 लोग या 6 लोग या 10 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ना ये चीज़ ज़रा आसान होती है, फंक्शनल में ये चीज़ मुश्किल है, ठीक है। फिर अगर सॉफ्टवेयर कोई बहुत ही बड़ा हो जाए, जैसे कि फोटोशॉप है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, दीज आर वेरी बिग सॉफ्टवेयर्स, इनको मतलब 20-20 साल से ये सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, 20-20 साल से इसमें इंक्रीमेंटल वे में चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल इसमें इतनी ज़्यादा हो गई हैं अभी कि जो इट सेल्फ फोटोशॉप इस्तेमाल करने वाला बंदा है उसको भी पता नहीं होता कि कौन सा नया फीचर इस साल इन्होंने ऐड कर दिया, क्योंकि भाई वो तो काम कर रहा है ना, वो लर्निंग थोड़ी कर रहा है। तो नया बच्चा जो सीख गया तो वो कहता है यार सर ये भी होता है यहाँ पे, वो कह रहा है ये भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा इसमें तेज़ी से चीज़ें आ रही हैं। अभी इन्होंने जो AI वगैरह ऐड कर दिया है नए वाले फोटोशॉप में, कि जी आपको बैकग्राउंड रिमूव करना होता था पहले, हम पेन टूल से लेके लगे होते थे, अब ज़रा यूं यूं करते हैं वो खुद ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 4 लोग खड़े हैं, एक बंदा गायब करना है अगर, हाँ फोटो में से अगर 4 लोग खड़े हैं ना फोटो में, एक बंदा गायब करना है तो बस यूं यूं करो, बोलो भाई रिमूव दिस पर्सन, ख़त्म, गेम उतर गई। नए वाले फोटोशॉप में तो इन्होंने ये जनरेटिव AI ऐड कर दिया है, जो इंशाल्लाह हम भी जनरेटिव AI की तरफ ही मूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी हमने रिएक्ट पढ़ना है, रिएक्ट पढ़ के हमने जो हमने क्रड ऐप बनाई हुई थी उसी क्रड ऐप को इस पर बनाना है, उसके बाद हम बनाएंगे एक अदद चैट ऐप, चैट ऐप का इंटरफेस बनाएंगे, चैट ऐप का इंटरफेस बना के हम मूव कर जाएंगे डायलॉग फ्लो के ऊपर। हाँ, डेव सीडी है, पता नहीं कौन है, बंदा है कोई, पहले मुझे लगता था बंदी है ये, सही है, लेकिन फिर बाद में पता चला नहीं ये तो बंदा है। अच्छा, तो ज़रा ये देख लेते हैं जी क्या बात कर रहे हैं ये। नहीं यार, नाम भी ऐसा है ना, पता ही नहीं चल रहा है नाम से, हमारे यहाँ होता है शकूर भाई, हमीद भाई, नाम ही ऐसा होता है फुल मर्दाना। तो और हमारे यहाँ जो जनाना नाम होता है वो मतलब कुछ ज़्यादा ही नरम होता है, जैसे शबनम इस तरह का नाम होता है ना कोई। आजकल तो खैर वो ज़रा नए वाले हो गए ना नाम पुराने, लेकिन यार नए नामों में भी जैसे निदा, अब नाम से ही औरत है, मतलब फीमेल नाम है ना पूरा, अब इसने डेव सीडिया नाम रखा है, मतलब दरमियाना नाम है कुछ, इसमें फील नहीं हो रहा।
हाँ मैं पहले बड़ा स्पेकुलेट करते थे हम क्लास में कि यार ये कौन है, लड़की है या लड़का है। तो खैर अब तो वो पुराना हो गया, बच्चों से मैं पूछता था बताओ बेटा लड़का है लड़की है, फिर मैं रिवील करता था। खैर अच्छा, तो कह रहे हैं कि जी लर्निंग रिएक्ट इज टफ। टफ तो भाई हर चीज़ है, जो भी नई चीज़ आप सीखते हो वो टफ होती है। ज़िंदगी इट सेल्फ बाई डेफिनेशन ज़िंदगी टफ है भाई, ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है ना तो रोता है, और मतलब बच्चे के सेहतमंद होने की निशानी होती है कि बच्चा रोएगा भाई पैदा होते ही, ठीक है। वो रोता क्यों है भाई, उसको सांस लेनी पड़ती है पहली दफ़ा। सांस लेना मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है, आसान है, ले रहे हो बैठे बैठे, अभी तुमने जब से बैठे हो सांस ही ले रहे हो। कोई ऐसा तो नहीं ना जो सांस रोक के बैठा है। फिर वो बैठा नहीं होगा, वो उठ जाएगा फिर। तो उसको भाई पहली दफ़ा सांस लेना पड़ता है, उसको बड़ा मुश्किल लगता है, जाहिर है दर्द होता होगा, पहली दफ़ा सांस ली उसने तो वो दर्द होता होगा ऑब्वियसली, तो इसलिए वो रोता है, ठीक है। लेकिन थोड़े दिनों में उसको आदत हो जाती है उसकी। फिर पहली दफ़ा जब उसको खाना वाना खाना पड़ता है, चबाना पड़ता है, तो भी उसको ज़रा तकलीफ़ होती है, तो लेकिन थोड़े दिनों में उसकी भी आदत हो जाती है। अभी अगर कोई आपको बोले अभी KFC खाने चलते हैं, तो कैसे मुंह में एकदम पानी आता है, मज़ा आ जाता है, सोच के ही मज़ा आ जाता है ना। तो क्या कहते हैं भाई, हर चीज़ मुश्किल है, ज़िंदगी बाई डेफिनेशन मुश्किल है। किसी ने अगर आपको टोपी कराई भी है ना कि भाई बस 2 साल रुक जाओ, या फलां चीज़ कर लो, या नौकरी पकड़ लो तो फिर आसान ही आसान, या बस शादी होने तक मुश्किल है, बस शादी के बाद तो आसान है, भाई कभी भी आसान नहीं होगी ये, ठीक है। जितने स्टेप, ये गेम होता है ना, जो जैसे जैसे स्टेप लेवल पार होते हैं मुश्किल होती जाती है, ये इंक्रीमेंटल वे में सिर्फ मुश्किल होगी है, आसान नहीं होगी है। क्योंकि अगर किसी ने टोपी दी हुई है ना, तो बंदे को एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये मैं एक्सपेक्टेशन आपकी आज ख़त्म करने जा रहा हूँ कि भाई कोई चीज़ मुश्किल, कोई चीज़ भी आसान नहीं है। और ये स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे ना, एक एक स्टेज पूरा करते जाएंगे, तो ये मुश्किल होती जाएगी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी अल्टीमेटली। लेकिन होगा ये कि आप क्योंकि इंक्रीमेंटल वे में इसको लेके चलेंगे, तो आपको इतना फील नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन है, आप ज़रा ढीले ढाले पड़ गए, तो बस गेम ख़त्म फिर आपकी। यू माइट इवन थिंक लर्निंग रिएक्ट मीन्स यू हैव टू लर्न अबाउट रिडक्स, वेब पैक, रिएक्ट राउटर, CSS, JavaScript। कह रहे हैं कि ये रिडक्स विडक्स भी बीच में फिर शामिल है इसमें, तो अभी भूल जाओ आप सारा, ये सब भूल जाओ अभी। नहीं, इसके छोटे छोटे टूल्स हैं इसके साथ, रिडक्स है, वेब पैक है, छोटे छोटे टूल्स हैं। वेब पैक का भी जिक्र किया था मैंने लास्ट। तो अच्छा, तो दिस आर्टिकल इज़ डिज़ाइन फॉर टोटल बिगनर टू रिएक्ट एज वेल एज फोक हु हैव ट्राइड टू लर्न इन द पास्ट एंड हैव हैड टफ टाइम। आई थिंक आई कैन हेल्प फिगर इट आउट। अब ये कह रहा है कि हम कवर क्या क्या करेंगे इसके अंदर। व्हाट इज़ रिएक्ट एंड व्हाई इट इज़ वर्थ लर्निंग, कि रिएक्ट है क्या और उसको आपको क्यों सीखना चाहिए, वाई इट इज़ वर्थ लर्निंग। हाउ टू गेट समथिंग ऑन द पेज विथ कंपोनेंट, के कंपोनेंट इसमें एक चीज़ होती है, रिएक्ट का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक जैसे घर बनता है ना, तो उसमें ब्लॉक्स लगा के ब्रिक्स से बनता है, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक उसको कहते हैं कि भाई इन चीज़ों से मिलके बना है। तो बिल्डिंग ब्लॉक एक घर को बनाने में सीमेंट है, बजरी है, और जो ब्रिक्स लगती हैं वो है। तो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में या कंपोनेंट एक चीज़ होती है। तो कंपोनेंट के ज़रिए ना कोई चीज़ स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करानी है वो हम देखेंगे, ठीक है। पासिंग डेटा थ्रू कंपोनेंट्स। अब ये इसके आगे आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये 4 पॉइंट्स ने क्या लिखे हैं, क्योंकि टोटल बिगनर के लिए अब पासिंग कंपोनेंट डेटा क्या मतलब, अब मेकिंग इंटरेक्टिव हुक क्या मतलब, छोड़ दो इसको, ठीक है। जब पहुंचेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। आ जाओ आगे। ठीक है, अच्छा, ये कह रहा है टाइनी विन प्रोपेल यू फॉरवर्ड। कह रहा है कि यार छोटी छोटी खुशियां जो है ना आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। तो कह रहा है कि यार थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद ना उसको थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई भी करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा अप्लाई करने से क्या होगा कि हमें छोटी छोटी खुशियाँ मिलती रहेंगी, और हम फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो यार ये अब इसकी ना हम ये वाले हेडिंग कवर कर लेते हैं, व्हाट इज़ रिएक्ट, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वो करेंगे। हमारी अभी 11 तो बज चुके हैं वैसे, टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास के बच्चे शायद बैठे हुए हैं। वेल, 2-4 मिनट ऊपर हो जाए तो कोई मसला नहीं है। रिएक्ट इज़ अ UI लाइब्रेरी क्रिएटेड बाई फेसबुक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया UI लाइब्रेरी। कुछ लोग इसको ना बीच में फ्रेमवर्क कहने लग गए थे, तो इसलिए जानबूझ के इसने लिखा है UI लाइब्रेरी, लेकिन अब सब लोगों का इत्तफाक है कि ये लाइब्रेरी ही है, ठीक है। लाइब्रेरी, अगेन बताता चलूँ कि लाइब्रेरी बंच ऑफ फंक्शंस होते हैं, जिस फंक्शन को आपको ज़रूरत पड़ती है वो फंक्शन उठाते हैं, आप यूज़ करते हैं, दैट्स इट, ठीक है।
फ्रेमवर्क में ये होता है कि आप कोड जो लिखते हैं ना वो फ्रेमवर्क बताता है आपको कि बच्चा ये कोड लिखो। आप फ्रेमवर्क का अपना सिंटैक्स होता है खुद का, नहीं बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क नहीं है, वो भी लाइब्रेरी है, एंगुलर फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट के बारे में भी छोड़ दो, अभी अभी पहले रिएक्ट के आगे की कहानी है क्योंकि उसकी, ठीक है अभी उसकी मैं बात करूँगा तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी, ठीक है। वेल, तो जो फ्रेमवर्क होता है ना उसका अपना सिंटैक्स होता है। फ्रेमवर्क आपको बताता है कि यार कोड आपने ना ऐसे लिखना है, और वो कोड लिख के आप उसको एग्जीक्यूट खुद नहीं करते हैं, आप फ्रेमवर्क को देते हैं कि ये लो यार इसको आप चलाओ जैसे तुम्हारा दिल करता है, जैसे तुम्हें लगता है इसको चलना चाहिए चलाओ इसको, ठीक है। तो फ्रेमवर्क का हमेशा अपना कोड होता है, ठीक है। जैसे कि एक्सप्रेस का जो फ्रेमवर्क है, अब एक्सप्रेस के फ्रेमवर्क में हम क्या करते हैं, ऐप डॉट पोस्ट। अब ऐप डॉट पोस्ट जावास्क्रिप्ट में इटसेल्फ तो कोई चीज़ नहीं होती ना यार, या जो उसमें मैं स्लैश स्लैश करके राउट बनाता हूँ वो जावास्क्रिप्ट में इटसेल्फ तो कोई चीज़ नहीं होती, वो तो वो रिएक्ट जो जो एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क का वो सिंटैक्स है, ठीक है। वो ऐप डॉट यूज़ करके जो हम करते हैं, फिर हम उसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट को कॉल करो तो अगले में जाता है। अब ये मुझे किसने बताया, ये मुझे उस फ्रेमवर्क ने बताया। ये जावास्क्रिप्ट में इटसेल्फ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, नॉट जेएस में भी नहीं होती, नॉट जेएस में कोई नेक्स्ट करके कोई चीज़ नहीं होती। नॉट जेएस प्लेटफॉर्म है ना, फ्रेमवर्क है ना लाइब्रेरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्चुअली। नॉट जेएस जो है ना इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट जेएस इज नॉट अ लाइब्रेरी। नॉट जेएस एक करंट टाइम है या प्लेटफॉर्म कह लो उसको, इंजन है, एक प्लेटफॉर्म है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे, वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं वो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम समझो तो सही रहेगा, ठीक है। जैसे विंडोज़ इंस्टॉल हो जाती है ना आपके कंप्यूटर में, अब वो लाइब्रेरी है क्या, नहीं है ना, उसके ऊपर चीज़ें चलती हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। रन टाइम वैसे कहते हैं इसको फॉर्मली ना, इसका जो नाम है वो रन टाइम है, इसको रन टाइम कहते हैं। अच्छा भाई, तो ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये लाइब्रेरी है, सब लोग इस पर मुत्तफिक हैं। अच्छा क्या है ये, इट हेल्प्स यू क्रिएट इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस। अब ये इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन क्या होती है, कौन बताएगा? बातचीत दोनों तरफ से हो, हाँ भी सही कह रहे हैं ये, और नॉन इंटरैक्टिव कैसा होगा फिर, है गंदी सी है भाई। वेब वन में क्या होता था, हाँ बिल्कुल सही दोस्त ने बताया, ठीक है। इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि ऐसी वेबसाइट जिससे मैं इंटरेक्ट कर सकूँ, जैसे कि एक फॉर्म बना हुआ उसमें कुछ लिखूँ सबमिट कर दूँ, ये मैंने इंटरेक्शन किया ना, वो लाइक का बटन दबा दूँ, कोई कमेंट का बटन दबा दूँ, कोई शेयर का बटन दबा दूँ, दबाऊँ तो कुछ हो, कुछ ऐसे टच करूँ ना तो कुछ रिस्पॉन्स करे वो, जैसे मानो बिल्ली बैठी होती है ना उसको ऐसे टच करो तो कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है वो, हाँ। गाय गाय के ऊपर ऐसे हाथ रखो ना, गाय के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, हाथ टच नहीं करो ना, थोड़ा दूरी रखोगे ना तो स्किन ऐसे थर 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 हिलाने लग जाती है, उसको दूर से, हाँ वाइब्रेट करता है ना वो, नहीं टच नहीं भी करोगे ना थोड़ा दूर भी रखोगे हाथ तो भी वाइब्रेट करता है, उसको पता चल जाता है, देख रही होती है ना वो, उसकी आँख इधर तक जाती है तो वो कान हटा के ना ऊपर पीछे देखती है कि कहाँ टच कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट करने लग जाती है। वेल, तो डेट इज़ कॉल्ड इंटरेक्शन, कि आपने गाय को टच किया और वो सामने से कुछ बोले। अच्छा नॉन इंटरेक्टिव कैसा होगा, जिसमें कोई फॉर्म ही ना हो, ऐसी वेबसाइट जिसमें कोई फॉर्म ना हो, जिसमें कोई बटन ना हो, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ हो, दैट्स इट, उसमें कोई बटन दबाने का कोई इंटरेक्ट का कोई ऑप्शन ना हो। अच्छा इंटरेक्शन पर वो रिस्पॉन्ड सामने से भी करेगा, जो वीडियो चल रही है तो सामने से कुछ, मतलब मैंने क्लिक किया ना सामने से कुछ वीडियो चल गई, कोई ऑडियो चल गया, दैट इज़ कॉल्ड। तो हमारी इस वक्त जितनी भी हम वेबसाइट्स बनाते हैं, जितनी भी वेब एप्लीकेशन है, वो सारी ही इंटरेक्टिव होती है, सही है। तो स्पेशली ये इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए ना रिएक्ट की लाइब्रेरी बनाई गई है। अगर आप इंटरेक्टिव नहीं बना रहे, अगर आप नॉन इंटरेक्टिव कुछ चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो रिएक्ट आपके काम की नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स ना इसका बिल्डिंग ब्लॉक है, रिएक्ट की जो एप्लीकेशन बनती है, रिएक्ट का जो लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, जो ऐप बनाते हैं, उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो कंपोनेंट है। अच्छा कंपोनेंट क्या है, इफ़ यू आर फेमिलियर विद HTML यू कैन थिंक ऑफ कंपोनेंट एज अ फैंसी कस्टम टैग, ठीक है। आर यू फेमिलियर विद HTML? बताओ ये फैंसी टैग क्या होता है, फैंसी तो उसने वैसे ही लिख दिया, कस्टम टैग क्या होता है? कस्टम टैग एक चीज़ होती है HTML में, नहीं तो अगर मिसाल के तौर पे H1 एक है, H1 करके मैं हेडिंग लगाता हूँ, अब H1 की जगह मैंने H10 दे दिया,
तो क्या वो क्या करेगा फिर? नहीं नहीं HTML की बात हो रही है, अभी रिएक्ट को तो पढ़ा ही नहीं है हमने। हाँ ये इसने सही बोला कि अगर मैं H1 की जगह H10 लगा दूँ ना, अब H10 के नाम का कोई टैग नहीं है HTML के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसको मना नहीं करेगा, एरर नहीं देगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको एज अ कस्टम टैग वो एक्सेप्ट कर लेगा, और उसका बिहेवियर क्या होगा? डिव वाला होगा, जो डिव का बिहेवियर होता है वो उसका बिहेवियर होगा। तो मैं कुछ भी नाम लिख दूँ टैग में, चाहे वो एग्जिस्ट करता ना हो, तो वो उसको डिव बना देगा। अगर नहीं नहीं उस नाम से CSS मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ नहीं नहीं दे सकते हैं यार। अच्छा पहली बात तो ये देखो CSS के अंदर ना, अच्छा पहली बात तो ये कि CSS में हम कोशिश करते हैं कि सेलेक्टर वगैरह का इस्तेमाल करें ज़्यादा, क्लास का इस्तेमाल करें, ठीक है। नहीं नहीं टैग से भी दे सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं दे सकते हैं भाई, आ जाओ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ब्लैंक कैसे खुलता है ये? अबाउट सही है, ब्लैंक खुल गया। अब मैंने बॉडी को बोला कि यार एडिट एज HTML, ठीक है, और इसमें मैंने बोला मलिक, इस नाम का कोई टैग तो नहीं है, और इसमें मैं आगे लगा देता हूँ कुछ टेक्स्ट लगा दिया, एंटर, ठीक है। और अब मैं आके बोलता हूँ इसी में ही, बल्कि इसी को एडिट करके edit as HTML, और इसमें मैं स्टाइल का टैग लगा देता हूँ, कहीं भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, इतना वो फ़र्क नहीं है कोई। और मैंने कहा मलिक, और ऐसे करके मैंने कहा कलर जो इसका हो जाए ना वो हो जाए रेड हो जाए। ओ हाँ यार नहीं हुआ। कॉमा करके मैंने H1 भी लिख दिया है, और अब यहाँ पे आके उसको एडिट करके H1 लगा देता हूँ मैं। एक H1 पे भी नहीं लगा, ये कैसे? स्ट्रिंग नहीं होता रेड में? होता है यार। अच्छा रेड में स्ट्रिंग नहीं होता। हाँ दोनों पे चल गया, सही है। कस्टम टैग पे चलेगा ना यार, क्यों नहीं चलेगा? सही है। तो अगर कोई भी टैग ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं करता ना HTML में, तो उसको वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है? एज अ कस्टम टैग उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, जिसका यहाँ पे इसने जिक्र किया है। दैट्स प्रीटी मच व्हाट दे आर। अब ये रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट बनते हैं ना, कंपोनेंट क्या होते हैं? वही कस्टम टैग होते हैं असल में, दैट्स इट। नहीं फोल्डर से तो कोई ताल्लुक नहीं है, अभी तो पहुंचेंगे वहाँ पे। रीयूजेबल बिट ऑफ कंटेंट एंड बिहेवियर दैट कैन बी पुट ऑन अ वेब पेज। अब हम क्या करते हैं कि हम ना अपने अपने नाम के, जैसे अगर मुझे यूज़र को लॉग इन फॉर्म दिखाना है, तो मैं एक टैग बनाऊँगा जिसका नाम है लॉग इन फॉर्म, और उसको बना के मैं रख लूँगा एक जगह, और रख के बाद में मैं उसको क्या कर सकता हूँ, किसी जगह पे प्लेस कर सकता हूँ। अब ये HTML में ये वाला काम नहीं होता, ये HTML से अब आगे की कहानी है कि उसको मैं पहले से बना के रख लूँ और कहीं पे जाके मैं प्लेस कर दूँ उसको, ठीक है। HTML में तो ये होता है कि किसी भी नाम से बनाऊँ वो हमेशा div ही कंसिडर करेगा उसको, लेकिन इसमें क्या होता है कि मैं उसको कस्टम पूरा बना के रखूँगा, उसका बिहेवियर पूरा मैं बताऊँगा, div नहीं होगा। बाई डिफ़ॉल्ट तो डिव इसको पकड़ रहा था ना ये, अब डिव बिहेवियर नहीं होगा इसका, अब बिहेवियर मैं बताऊंगा कि यार अच्छा ये नाम लिखूं तो ये होना चाहिए उसके अगेंस्ट, और जब भी मैं वो टैग लिखूंगा तो वो वाला बिहेवियर दिख जाएगा और वो वाली UI दिख जाएगी। कंपोनेंट तो अभी बना तो लें कस्टम, अभी रुक जाओ, अभी आराम आराम से, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन बताई है मैंने। पता नहीं ये मैंने यूज़ नहीं किया है, तुम कह रहे हो ये मैंने यूज़ नहीं किया। नहीं प्लेन HTML में बात कर रहे हो तुम, प्लेन HTML में ही होता है, मुझे नहीं पता। चलो नेक्स्ट क्लास में इसको हम करके देखेंगे ये जो तुम बता रहे हो। अच्छा
अब ये अगली बात क्या कह रहा है कि अ कंपोनेंट इज रिटन एज प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अब इसने एक और भी ये डिस्क्लोज कर दी बात कि ये जो कंपोनेंट है ना ये किस में होता है, प्लेन जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं असल में ये। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी मलिक करके जो टैग लगाया था, मैं इस तरह करके जब उसको लिखूंगा ना तो उसके बैकग्राउंड में क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा जो कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा अब कह रहे हैं कि दिस इज रियल जावास्क्रिप्ट हियर, नॉट अ टेम्पलेटिंग लैंग्वेज। अच्छा टेम्पलेट लैंग्वेज से आप सब लोग वाकिफ नहीं है तो उसको हम जिक्र नहीं करते, लेकिन अगर किसी की वाकफियत है टेम्पलेटिंग लैंग्वेज से या टेम्पलेटिंग इंजन से, तो पहले होता ही था यानी REST API से पहले, कि जब आप रिक्वेस्ट करते थे ना सर्वर पे /user/user ID, तो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती थी और सर्वर पे एक पेज बनाते थे हम, टेम्पलेटिंग इंजन नाम की एक चीज़ होती थी, उसके ज़रिए हम पूरा पेज कंस्ट्रक्ट करते थे। पहले हेडर लगाते थे, फिर फूटर लगाते थे, फिर उसमें CSS लगाते थे, फिर वहाँ पे वो डेटाबेस से यूज़र ला के दरमियान में उसके पुट करते थे और पूरा HTML पेज बना के ना उसको फ्रंट एंड पे भेजते थे एज अ रिस्पॉन्स। EJS के नाम का एक था और एक JED के नाम का था, अब लेकिन यूज़ नहीं होता वो और ना ही रिकमेंडेड है, ठीक है मेरी तरफ से। हाँ वो भी होगा, बहुत सारे होंगे लेकिन रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से। वेल अभी वो कहते हैं ना दुनिया थोड़े दिनों में घूम के वहीं आ जाती है दोबारा, तो अभी सर्वर साइड रेंडरिंग करके एक चीज़ है वो इससे सिमिलर है, लेकिन मतलब उसमें वो थोड़ी मुख्तलिफ चीज़ है, ठीक है बिल्कुल सिमिलर नहीं है। सर्वर साइड रेंडरिंग ना इज समथिंग लाइक टेम्पलेट इंजन, लेकिन इट इज़ डिफरेंट थिंग और उसकी स्पीड भी बड़ी अच्छी है टेम्पलेटिंग इंजन के मुकाबले में। अच्छा जी, तो रिएक्ट सपोर्ट स्पेशल सिंटैक्स कॉल्ड JSX विच लुक्स अ लॉट लाइक HTML बट इट इज़ टर्न इन टू रियल जावास्क्रिप्ट कोड बाई कंपाइलर, ठीक है। अब रिएक्ट के अंदर जब हम कोड लिखते हैं तो वो बिल्कुल HTML की तरह ही लिखते हैं, लेकिन उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है JSX क्योंकि HTML से वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, HTML से वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, उसका नाम इन्होंने रखा है JSX। अच्छा लेकिन वो JSX क्या होती है, जैसा कि HTML भी जब हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी बिल्कुल शुरू में, एक क्लास हमने HTML की भी की थी यहाँ पे, तो उसमें मैंने ये बताया था कि HTML कभी भी डायरेक्ट नहीं चलती है ब्राउज़र पे, HTML हमेशा कन्वर्ट होती है JavaScript के अंदर और फिर वो चलती है ब्राउज़र पे, ठीक है। अच्छा लेकिन ये कन्वर्जन कौन करता है, ये ब्राउज़र खुद करता है। हम जब प्लेन HTML अभी हमने लिखी है जो थोड़ी देर पहले लास्ट जो हमने लिखी है, उसमें हमने प्लेन HTML जब लिखी और उसको जब रन किया तो वो जो H1 का जो टैग था उसको ब्राउज़र ने कन्वर्ट किया JavaScript के अंदर। अच्छा वो जो कन्वर्जन होती है उसको ओवरऑल हम मिला के कहते हैं डॉम, वो डॉम के टॉपिक हमने कवर नहीं किए यहाँ पे क्योंकि हमने बेसिक JavaScript फंडामेंटल्स कवर किए हैं, तो वो डॉम फंडामेंटल में नहीं आता तो इसलिए हमने डॉम को डिस्कस यहाँ पे नहीं किया। तो उसको वो डॉम बनाता है, ऑब्जेक्ट्स बनाता है और उसके बाद उसको वो एग्जीक्यूट करता है प्रोसेसर पे ले जाके। रिएक्ट में ऑन अदर हैंड हम क्या करते हैं, हम नहीं करते, हम लिखते हैं JSX और रिएक्ट का फ्रेमवर्क जो है ना उसको एग्जीक्यूट करने से पहले JavaScript में कन्वर्ट करता है और फिर उसको देता है ब्राउज़र को। तो जो काम ब्राउज़र करता था ना वो रिएक्ट की लाइब्रेरी के लेवल पे वो काम हो जाता है, ठीक है समझ रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका कंपोनेंट है ना, जो फैंसी टैग जो है कस्टम टैग, या उसको रिएक्ट में कंपोनेंट कह रहे हैं, तो वो कंपोनेंट जो है एग्जीक्यूट करने से पहले उसको वो क्या करता है JavaScript में कन्वर्ट करता है, रियल JavaScript में, ठीक है। तो अब इतनी बात आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको फिर हम आगे चलाएंगे और नेक्स्ट हम हेलो वर्ल्ड इसका बनाकर देखेंगे। यहाँ पे फ़ौरन ही हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ रहा है, ये हेलो वर्ल्ड होपफुली हम नेक्स्ट क्लास में बनाकर देखेंगे, ठीक है।